हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एचटेट पीजीटी मैथ्स 2 जनवरी 2021 की फुल डिटेल्ड डिस्कस करने वाले। यहां पे मैं हर क्वेश्चन आपको बकायदा सॉल्व कर करके दिखाऊंगा कि इनके आंसर ये ही क्यों आए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 91 ले रखा है और कोड है सी, और कोड में ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बस इतना फर्क है ना। तो क्वेश्चन नंबर 91 आप अपने कोड में आप चेक कर सकते हो, आगे पीछे ये क्वेश्चन मिलेगा। तो कहता है कि इफ मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू। तो यार मीन के बारे में आप बहुत बढ़िया से जानते हो, मीन का फॉर्मूला जो होता था वो एनपी होता था, एनपी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी होता है। और आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बस कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको मीन को पहनाना पड़ता है रूट, मीन को पहनाना पड़ता है रूट। तो यार यहां पर वो खुद दे रहे हैं मीन कितना दे रहे हैं एम, मीन कितना दे रहे हैं एम, और पूछ क्या रहे हैं आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी पूछ रहे हैं, तो भाई इसको पहना दो रूट। तो रूट एम यहां पे अपना आंसर होगा, ऑप्शन टू यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। यस, ऑप्शन टू यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 92 क्वेश्चन पे चलते हैं अब। यस, अपना क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहे हैं यहां पे, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ इज, की इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना हमें। तो यहां पे मैं ले रहा हूं भाई इस एक्सपेंशन को 20x square minus 9x plus 1 सारे के पावर माइनस 1 को, और भाई अब मैं इसके फैक्टर बना सकता हूं, आप लोगों को पता हो फैक्टर कैसे बनाऊंगा। मैं एक काम करता हूं इसको आगे लिख के 1 माइनस 9x प्लस में 20x square लिख सकता हूं। यस yes। और भाई अब मैं एक काम करूंगा, 1 माइनस में इसको तोड़ रहा हूं माइनस 5x माइनस 4x में प्लस में 20x स्क्वायर आपका लिखा ही लिखा जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और जोड़े तो माइनस 9 आए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और मेरे भाई 1 माइनस में 5x मैंने लिख लिया, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो माइनस, मैं यहां पे 4x कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस का 4x कॉमन निकाल रहा हूं। तो क्या बचा 1 माइनस में 5x ही बचा का स्क्वायर, और अब कुछ भी नहीं, 1 माइनस 5x कॉमन निकाल लो भाई अंदर 1 माइनस 5x कॉमन निकाल लो, तो बच क्या गया 1 माइनस में 4x, और सारे पे चल रही है पावर 2 नहीं चल रही, पावर माइनस 1 चल रही है, पावर क्या चल रही है माइनस 1। यस, अब देखो इसमें मैं क्या कर लूंगा, इसको क्या तोड़ के लिख सकता हूं ऐसे, 1 माइनस 5x सारे की पावर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4x सारे की पावर माइनस 1, बिल्कुल तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूं। और भाई मैं इसको लिखने वाला हूं 1 अपॉन 1 माइनस 5x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस में 4x, ऐसे लिखने वाला हूं। और अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 अपॉन में 1 माइनस में 5x माइनस में 4 अपॉन में 1 माइनस में 4x। आप चेक करोगे तो इससे यही चीज मिलेगी, कुछ भी नहीं, सिंपल तोड़ के लिखा है मैंने। यस, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1 माइनस 5x सारे की पावर माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4x सारे की पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और अब एक मैं छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लगाने वाला हूं, क्या अगर 1 माइनस में nx सारे की पावर माइनस 1 मिल जाए, 1 माइनस nx सारे की पावर माइनस 1 मिल जाए, तो कोफिशियंट ऑफ x की पावर r का होगा n की पावर r, कोफिशियंट ऑफ x की पावर r का क्या होगा n की पावर r। तो हमें कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, देखो इसकी सूरत इसमें भी मिलती है, इसकी सूरत इसमें मिलती है, तो अब हम कोफिशियंट निकाल लेंगे बढ़िया से। तो हमें कोफिशियंट ऑफ x की पावर r नहीं चाहिए, हमें कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, और कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए मैं n की पावर r बोल दूंगा, तो n यहां पे कंपेयर करने पे 5 है भाई, n यहां पे कंपेयर करने पे 5 है, तो 5 की पावर r x स्क्वायर का कोफिशियंट n की पावर 2 होगा, क्योंकि x की पावर r का n की पावर r है, तो x स्क्वायर का क्या होगा n की पावर 2, n कौन है कंपेयर करने में 5, तो 5 की पावर 2, ऐसे ही -4 इनटू में 4 की पावर 2, और भाई इसको कर लो सॉल्व, तो ये आपका आता है 125 और ये आता है आपका 64। यस, ये 125 और ये आपका आता है 64, और भाई 5 में से 4 गए तो 1, और भाई आपके 12 में से 6 गए तो 6, 61 यहां पे आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यस यार, यहां पे 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अपने 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहे हैं कि द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस x = 0 y = 0 एंड x + y - 1 = 0 इज। तो अपने पास अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस हो तो
हम सेंट्रोइड बहुत बढ़िया से बता सकते हैं क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड निकालने का, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बाई थ्री कोमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बाई थ्री, ये अपने पास फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड निकालने का। तो मैं यहां पे वर्टिसेस पता करता हूं, तो यार एक वर्टेक्स तो सीधा सीधा दे रखा है x0 होगा तो y0 ये कह रहे हैं, हम दूसरा निकाल लेंगे कैसे x0 लगा के, x0 लगा के यहां पे y क्या मिलता है यार अपने को 1, और तीसरा भी निकाल लेंगे y0 लगा के, y0 लगा के तो यार x कितना मिलता है 1। तो मैंने यहां पे तीनों वर्टिसेस निकाल लिए और बस फॉर्मूले में फिट करूंगा आंसर आ जाएगा। तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3, 0 प्लस में 0 प्लस में 1 बाई थ्री, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बाई थ्री, तो यार ये आता है आपका 1 बाई थ्री कोमा 1 बाई थ्री कोमा 1 बाई थ्री। तो ये सेंट्रोइड है भाई ट्रायंगल का, ऑप्शन थ्री यहां पे अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। यस, ऑप्शन थ्री यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस विल बी, ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है। तो सिंपल हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक पॉइंट निकाल लूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y कैसे निकालेंगे भाई, इनके कोफिशियंट मैं करता हूं बराबर, किसके x वाले कोफिशियंट बराबर कर लेता हूं। तो इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जब b से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कैसा आएगा, ए बी एक्स प्लस में बी स्केयर वाई इज इक्वल टू ए बी स्केयर आएगा भाई। और इसको जब यार a से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी एक्स प्लस में ए स्केयर वाई इज इक्वल टू ए स्केयर बी आएगा। अब बस सिंपल आपको देखो क्या करना है, सिंपल आपको ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देने हैं, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों हुए कैंसिल। और भाई आप यहां से जब इसमें से ये घटाओगे तो y आएगा कॉमन, बी स्केयर माइनस ए स्केयर रहेगा, और उधर उधर इसमें से ये घटाओगे तो मैं ab लेऊंगा कॉमन, ab लेऊंगा कॉमन, तो क्या रहेगा b माइनस का a रहेगा, b माइनस का a रहेगा। सिंपल अब आप देख पा रहे होंगे कि y इज इक्वल टू ए बी इंटू बी माइनस ए अपोन में बी स्केयर माइनस ए स्केयर जाएगा, जिसको मैं लिखने वाला हूं बी माइनस ए इंटू में बी प्लस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए हुआ आपका कैंसिल, तो y आपका आ गया ए बी अपोन में ए प्लस बी, y क्या आ गया ए बी अपोन में ए प्लस बी। अब बस कुछ भी नहीं भाई, इसमें मैं रख लेता हूं y, तो यहां से ax निकाल लेता हूं, जब यहां पे मैं y रखूंगा तो ax प्लस में, ax प्लस में जब ये उठ के उधर जाएगा तो ए बी स्केयर अपोन में a प्लस बी आ जाएगा। सिंपल मैंने y की जगह पुट कर लिया बस और मल्टीप्लाई किया तो ab की b से ab स्क्वायर अपोन में a प्लस बी और इज इक्वल टू में भाई आपका है ab। यस, अब एक काम कर लो भाई, ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, ये उधर जाएगा उठ के तो ab माइनस में ab स्क्वायर अपोन में a प्लस बी आएगा। अब जब सिंपल आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो क्या आने वाला, देखो a प्लस बी लिया एलसीएम तो यहां से आया ए स्क्वायर, देखो एक ए प्लस बी की दोनों से ए बी की ए प्लस बी से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी, तो एक बार तो ए से होगी तो ए स्केयर बी प्लस, एक बार बी से होगी तो ए बी स्केयर माइनस ए बी स्केयर, और भाई आपका ए बी स्केयर से ए बी स्केयर हुआ कैंसिल, और जब ए अपॉन में जाएगा तो इस पावर से ये पावर टू उड़ा देगा, है ना, एक पावर बचेगी भाई अपॉन में ए जाएगा ना, तो ऊपर एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ए तो बचेगा। x इज इक्वल टू आपका क्या आया, ए बी अपोन में ए प्लस बी आया भाई। अब आपके पास देखो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन तीनों में पुट कर, चारों ऑप्शन में पुट कर करके देख लो, जिसको सेटिस्फाई करता है आंसर वो होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है आपने पास कि भाई एक लाइन का मेरे पास ए बी पॉइंट है, एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट x के तो क्या है ए बी अपोन में ए प्लस बी, और यार y के क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है ए बी अपोन में ए ए प्लस बी ये है, ठीक है। तो जब एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो मैं बढ़िया से उसकी इक्वेशन निकाल दूंगा, कैसे y माइनस में y1 है ना, y माइनस में y1 यहां पे टू पॉइंट फॉर्म है, टू पॉइंट फॉर्म है ना, टू पॉइंट फॉर्म y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप स्लोप स्लोप, तो इसमें से ये घटाओगे y2 माइनस y1, y2 माइनस में y1 अपोन में x2 माइनस x1, x2 माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x1, इंटू में x माइनस x1, इसको सॉल्व कर देंगे अपना आंसर अपने को मिल जाएगा।
तो सिंपल देखो, पहले y माइनस बी रहने दो भाई, इधर a प्लस बी एलसीएम लोगे, a प्लस बी नीचे एलसीएम लोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो क्या बचेगा ए बी माइनस ए बी और माइनस में बी स्केयर, नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा ए बी माइनस ए स्केयर, ए स्केयर माइनस ए बी, ये बचेंगे भाई सिंपल, इनटू में एक्स माइनस ए, इनटू में एक्स माइनस ए। अब यार इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, और सोल्व कर देते हैं, ये देखो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा ऊपर नीचे, अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बस सिंपल मल्टीप्लाई होगी, सिंपल मल्टीप्लाई होगी, इसके उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहां कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, तो देखो y की इसके साथ होगी, तो वाई ए बी माइनस में ए स्केयर वाई माइनस में ए बी वाई, अब b की कर दो भाई, माइनस में ए बी स्केयर प्लस में ए स्केयर बी और भाई प्लस में ए बी स्केयर, ए बी स्केयर। अच्छा इसकी इधर ऊपर वो इसकी सारे की इधर कर दो, x माइनस ए के साथ क्रॉस कर दे मैंने, इसकी क्रॉस इसके साथ कर दी, ये लिख दिया, अब ऊपर वाले की इसके साथ करोगे तो x ए बी और भाई माइनस का ए स्केयर बी, ए स्केयर बी, और जब आप माइनस ए बी की करोगे तो माइनस ए बी एक्स, माइनस ए बी एक्स और प्लस का ए स्केयर बी, प्लस का ए स्केयर बी और माइनस बी स्केयर की करोगे तो माइनस बी स्केयर एक्स प्लस का ए बी स्केयर, ए बी स्केयर। अब जो चीज कटती है उनको काट देंगे, जो बचती है उसको बचा देंगे, तो माइनस ए स्केयर वाई इधर है ना, माइनस ए स्केयर वाई इधर है, ये कहीं कैंसिल, वाई ए बी, वाई ए बी तो क्या कैंसिल होगा, नहीं होना चाहिए, माइनस ए स्केयर वाई बी यहां पे नहीं कैंसिल होना चाहिए, है ना, नहीं कैंसिल होना चाहिए, ओ सॉरी वाई ए बी हो रहा है यार, वाई ए बी, वाई ए बी कैंसिल हो रहे हैं, यस वाई ए बी से वाई ए बी कैंसिल हो गया। अब माइनस ए स्केयर वाई देखते हैं कैंसिल होता है, माइनस ए स्केयर वाई नहीं होता कैंसिल, यस। अब माइनस ए स्केयर ए बी स्केयर देखते हैं, माइनस ए बी स्केयर देखते हैं, माइनस ए बी स्केयर देखो भाई, माइनस ए बी स्केयर यहां पे है, ये रहा माइनस ए बी स्केयर से प्लस ए बी स्केयर कैंसिल, अच्छा भाई ए स्केयर बी, ए स्केयर बी, ए स्केयर बी से ए स्केयर बी कैंसिल, बराबर में भी कैंसिल हो जाते हैं, आप लोगों को पता होगा अच्छे से। अब एक्स ए बी कैंसिल होता है भाई, एक्स ए बी से एक्स ए बी कैंसिल, माइनस ए स्केयर बी, माइनस ए स्केयर बी कैंसिल होगा, नहीं होगा, माइनस ए स्केयर बी कैंसिल फिलहाल नहीं हो रहा है ना, माइनस ए स्केयर बी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब अच्छा ये माइनस बी स्केयर एक्स कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, और ए बी स्केयर कैंसिल हो रहा है, ए बी स्केयर बी कैंसिल नहीं हो रहा, तो जो चीज बची वो मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, एक तो माइनस ए स्केयर वाई बचा, है ना, माइनस ए स्केयर वाई बचा, और उधर क्या बचा, माइनस ए स्केयर बी बचा, और भाई माइनस का बी स्केयर एक्स बचा, प्लस का ए बी स्केयर बचा, प्लस का ए बी स्केयर बचा। अब मैच कर लेते हैं बढ़िया से क्या आएगा आंसर, है ना, तो देखो भाई, देखो इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं, है ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलो यहां पे देख लेते हैं, ये भी प्लस का है, ये चलो माइनस का है, ये माइनस का बीच में और ये प्लस का है, तो देखते हैं चलो जो भी आता है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस बी स्केयर एक्स को इधर लेके आता हूं, माइनस बी स्केयर एक्स को पहले तो ये देख लो ना, माइनस बी स्केयर एक्स किस किस में, इसमें इसमें, तो माइनस बी स्केयर एक्स उधर ही रहने दो, है ना, माइनस बी स्केयर एक्स उधर ही रहने दो, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इनमें से एक होगा, तो माइनस बी स्केयर एक्स उधर रहेगा, तो माइनस ए स्केयर प्लस वाई को उधर ले चलते हैं, तो ए स्केयर वाई हो जाएगा भाई, माइनस बी स्केयर एक्स लगा दो इसके साथ, माइनस बी स्केयर एक्स लगा दो, और जो बाकी की चीजें हैं ये और ये इधर उठा लाओ, तो इधर उठा के लेके आओगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा ए स्केयर बी, और ये माइनस का हो जाएगा ए बी स्केयर, और भाई इसमें से कॉमन निकाल दो ए बी, इसमें से जब आप ए बी कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, एक तो बचेगा आपका ए और यहां से बचेगा माइनस बी, तो ए बी माइनस ए बी, ए बी ए बी इंटू ए माइनस बी, ए बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर वाई माइनस में बी स्केयर एक्स, तो ऑप्शन अपना थर्ड यहां पे बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होता है। अगर इसमें आपको लगता है भाई मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप सिंपल सा एक काम करना, अपने जो एक्स और वाई है वो बारी बारी से पुट कर करके देख लेना, जिसको सेटिस्फाई करे आंसर वही होगा। मैं मानता नहीं हूं इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा ले, टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है। मैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलता हूं, नंबर 94 में कुछ नीचे की थोड़ी सी लाइन कट गई थी, एक बार ये आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको ध्यान से, ये लाइन है ना, थोड़ी सी लाइन कट गई थी, वैसे मैं बोल भी रहा था और आप उसको सुन के समझ भी सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कह रहा है, कि इफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस,
मॉडुलस x लेस देन 1 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 देन y ऑफ x इज इक्वल टू। तो यार ये जो आपके सामने छपी हुई है ये है सीरीज, ये आपके सामने जो छपी हुई है ये है सीरीज, आप लिख सकते हो इसको y ऑफ x इज इक्वल टू किसकी सीरीज है, 1 माइनस एक्स सारे की पावर माइनस 2 की सीरीज है भाई, इसकी सीरीज है और ये आप दिमाग में बसा लो, आगे भी कभी काम आ सकती है। तो 1 माइनस एक्स सारे की पावर माइनस 2 की सीरीज है। अब बस सिंपल हो चुका, कुछ भी नहीं है, अब कर देंगे इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स सारे की पावर माइनस 2 में एक जोड़ के अपॉन में यू का यू छाप लेंगे। और भाई एक चीज का जरूर ध्यान देना पड़ता है, एक्स के जो साथ कोफिशियंट है वो जरूर लिखना पड़ता है माइनस 1, और साथ में प्लस सी भी यहां पे लिखना पड़ता है। इसको मैं सोल्व करता हूं थोड़ा और, तो 1 माइनस एक्स सारे की पावर माइनस 1 बन गया ऊपर, और नीचे भाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 बन गया प्लस का 1 प्लस में सी, मतलब कि अपने पास क्या है 1 माइनस एक्स सारे की पावर माइनस 1 प्लस सी है भाई वाई ऑफ एक्स। यस, पर हमें अपने को y ऑफ x इनमें से बताना क्या होगा, इनमें तो c तो नहीं है। अब मैं यार इस c का जुगाड़ करता हूं, और c का जुगाड़ इससे होगा, x की जगह 0 लगा लो, y की जगह 0 लगा लो, x की जगह 0 लगाओगे y की जगह 0 लगाओगे तो आपको मिलने वाला क्या है, तो यहां पे देखो भाई y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू यहां पे जब आप x की जगह 0 लगाओगे तो 1 माइनस में 0 की पावर माइनस 1 प्लस में c आ जाएगा, और भाई देखो तो 0 इज इक्वल टू 1 की पावर माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा, और यार 1 की पावर माइनस 1 1 यानी है, तो सी की वैल्यू जब ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू आ गई माइनस 1। बस कुछ भी नहीं करना, यहां भर लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x सारे की पावर माइनस 1, और c की जगह लगा रहा हूं मैं माइनस 1 और कर रहा हूं इसको सॉल्व, तो 1 अपॉन में 1 माइनस x आ जाएगा भाई माइनस का 1, और लिया एलसीएम तो 1 माइनस x एलसीएम आया, 1 माइनस 1 प्लस x आ जाएगा, 1 से 1 उड़ा दो x अपॉन में 1 माइनस x, आपका y ऑफ x आ चुका, मतलब कि ऑप्शन यहां पे ऑप्शन यहां पे ऑप्शन यहां पे 2 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब अपने 96 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहे हैं कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर x, x ग्रेटर देन 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन x ग्रेटर देन 1 बाय e होगा, या फिर x ग्रेटर देन e होगा, या फिर x ग्रेटर देन e प्लस 1 होगा, या x ग्रेटर देन 1 प्लस 1 बाय e होगा, कि अपने को सीधा सीधा यह बताना है कि इनमें से किसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यार सिंपल, हमें पता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होता है जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, तो मैं ये चीज लेके चल दूंगा, इनमें से बता दूंगा कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव x की पावर x का, सिंपल से आपको याद होगा होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस में log x, आपको बढ़िया से याद होगा ग्रेटर देन 0। और मैं बता देता हूं यार क्यों होता है, देखो y इज इक्वल टू x की पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करने से पहले हम लगा लेते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log x की पावर x, और भाई log y का आएगा 1 by y into dy by dx, और यहां पे आप एक चीज लिख लोगे इसको log m की पावर n को n log m, और अब इसका कर देते हैं u into v रूल से, x सेम log x का 1 by x प्लस में log x सेम भाई x का 1, x से x उड़ाओगे और dy by dx is equal to आपका क्या आ जाएगा y उसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y कौन है x की पावर x, तो x की पावर x into में 1 प्लस में log x, आप देख पा रहे होंगे कि इसका डेरिवेटिव यही होता है। अब देखो भाई x की पावर x ग्रेटर देन, ये देखो ये into ये ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर x 0 से बड़ा है तो x की पावर x भी 0 से बड़ा होगा, मतलब कि अब इसको 0 से बड़ा होना चाहिए और इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 प्लस में log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई। और एक काम कर रहा हूं मैं, log x इधर रख रहा हूं, 1 को उधर भेज रहा हूं, माइनस 1 बन गया उधर जाके। यस, अब बोथ साइड ही लगा दो भाई, e की पावर log x ग्रेटर देन e की पावर माइनस 1, e की पावर log x एक अच्छा सा रिजल्ट होता है, e की पावर log fx जो होता है fx, तो यार मैं e की पावर log x को लिख लूंगा, x ग्रेटर देन e की पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई e, यहां पे ऑप्शन अपना फर्स्ट बिल्कुल सही होता है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 97 दे दिया यहां पे ग्रेजुएशन से उठा के अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, कहता है कि लेट z बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन, इसके कितने जनरेटर होंगे, ये कह रहे हैं सभी पार्ट में, ये कभी कह रहे जी हैज इनफाइनाइट मेनी जनरेटर्स, इसमें कह रहे जी हैज 1 जनरेटर्स, जी हैज 2 जनरेटर्स, या जी हैज 3 जनरेटर्स। तो यार यहां पे मैं बता दूं आपको कि जी हैज 2 जनरेटर्स, ठीक है, जी हैज 2 जनरेटर्स, बिल्कुल सिंपल है।
अगर हमने थोड़ा सा भी ग्रेजुएशन का पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में तो यहां पे बढ़िया से क्लिक करके आते हैं। इसके दो जनरेटर्स होंगे यार, एक तो जी होगा खुद और एक इसका इनवर्स होगा, एक इसका इनवर्स होगा। हमने अगर थोड़ा सा भी ग्रेजुएशन का पढ़ा है फिलहाल एस्टेट के लिए तो बिल्कुल बढ़िया से क्लिक करके आते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा जी एंड जी इनवर्स, मतलब कि जी हैज टू जनरेटर्स। अब अपने क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द लाइन। आपके पास यार लाइन है और कह रहा है कि कौन सा प्लेन लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं बना लेता हूं, ये तो हो गई आपकी लाइन, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के 3D का क्वेश्चन कभी नहीं होता, 3D का क्वेश्चन बिना इमेजिनेशन के कभी नहीं होता। मैंने लाइन बना ली और भाई मैंने बना लिया प्लेन, मैंने बना लिया प्लेन, ये आपका हो गया प्लेन। अब मैं लाइन के इनमें से कोई सा प्लेन पैरेलल दिखाने वाला हूं। तो देखो जब लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है उनकी मल्टीप्लाई का सम आपस में जीरो आता है। तो यार लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहां बैठे होते हैं, ये नीचे बैठे हैं। क्या है 3 4 5, ये है 3 4 5, ये लाइन के DRs है, लाइन के DRs है। और प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट होते हैं। यस तो प्यारे, तो यार यहां पे मैं सिंपल देखो क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, अगर मैं ये देखता हूं ये डायरेक्शन रेशियोज लेता हूं इस वाले के 2 3 4, इसके नॉर्मल के, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 है, उनकी इनकी मल्टीप्लाई उनके साथ जीरो कभी नहीं आएगी क्योंकि ये प्लस के हैं, वो भी प्लस के है, इनकी भी उनके साथ मल्टीप्लाई जीरो कभी नहीं आएगी क्योंकि ये प्लस के है वो भी क्या है प्लस के, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इसके मैं नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लेता हूं जो क्या है 2 1 -2, है ना। यस कोफिशियंट एक्स वाई जेड के कोफिशियंट DRs होते हैं नॉर्मल वेक्टर के, तो मैंने इसके नॉर्मल वेक्टर के DRs ले लिए 2 1 -1 और लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 4 5 है। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई का सम करके देख लेता हूं, 3 की 2 से 6 ऐसे करनी है भाई, 3 की 2 से 6 प्लस 4 की 1 से 4 और भाई 5 की -2 से आएगी माइनस का 10, मतलब 10 -10 ये आ गया आपका 0। इसका मतलब स्पष्ट ये हुआ कि ये जो थर्ड ऑप्शन है अपना बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला प्लेन लाइन के क्या होगा, पैरेलल। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे अपना बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स इसमें से क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूं किस फॉर्म में, वाई स्केल इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मेरे को क्या करना होगा, देखो मैं वाई स्केयर प्लस में 4y प्लस में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, बस मैंने कुछ नहीं किया आगे पीछे किया इनको, और मैं वाई स्केयर प्लस 4y से कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड लगाने वाला हूं, वाई स्केयर प्लस 4y। तो y का कोफिशियंट का हाफ का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर जोड़ दो भाई, 2 का स्क्वेयर घटा दो, प्लस में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और मेरे भाई ये देख y प्लस में 2 का होल स्क्वेयर, y प्लस में 2 का होल स्क्वेयर, और ये आपका माइनस का 4 और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 7, और ये प्लस 4x उधर जाके माइनस का 4x प्लस का 7 बन गया। यस अब ये इस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा मैच करने लग गया, अभी भी कंप्लीट ढंग से नहीं कर रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूं y प्लस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4, तो मैं कॉमन लेने वाला हूं अंदर से, तो क्या बचेगा x माइनस में 7/4 आ जाएगा भाई। यस अब ये बिल्कुल उस फॉर्म में मैच कर रहा है, बिल्कुल उस फॉर्म में मैच कर रहा है। यहां पे y का काम तो y प्लस 2 कर रहा है, और भाई यहां पे x का काम कर रहा है x माइनस 7/4, और 4 का काम 4 ही कर रहा है, a का काम यहां पे कौन करेगा आप खुद बता दो, यहां पे 1 होना चाहिए या नहीं। यस यहां पे होना चाहिए 1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप का ये पैराबोला है, और ये कुछ आपका इस तरह से बनता है मेरे भाई, इस तरह से बनता है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है ये जो x इज इक्वल टू a होती है। यस x इज इक्वल टू a होती है। तो यहां पे कंपेयर करते हैं भाई, चलो कंपेयर करते हैं, x का काम कौन कर रहा है ये, तो x माइनस 7/4, और भाई अब a बता दो, a इसके अकॉर्डिंग 1 होगा, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1, इसके डायरेक्ट्रिक्स आएगी। यस इसको सोल्व कर देता हूं थोड़ा सा, x इज इक्वल टू 1 प्लस में 7/4, और भाई ये x इज इक्वल टू 4 एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 7 हो जाएगा 11, और 4 इधर ले आओ, 4x इज इक्वल टू 11, मतलब कि ऑप्शन थर्ड यहां पे अपना बिल्कुल सही है। अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहे हैं, इफ एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 858m प्लस में 325n,
तो आपका m और n इनमें से क्या होगा? तो सिंपल, मैं सबसे पहले लेता हूं एच सी एफ 858 और 325 का, तो ये कटने वाले हैं 13 पे, ये जाएगा 66 पे, ये जाएगा 25 पे, इसके बाद ये कटेंगे नहीं, कि मतलब इसका एच सी एफ आया 13, इसके बाद ये कटेंगे नहीं, इसका मतलब आया एच सी एफ 13। अब यार ये चीज 13 कब बने, जब m क्या हो और n क्या हो। तो सबसे पहले मैं फोर्थ ऑप्शन देखता हूं, अगर यहां पे आप m की जगह -29 लगाते हो और n की जगह 11 लगाते हो तो ये नेगेटिव नंबर मिलेगा, 13 तो बनेगा नहीं। अगर m की जगह 11 लगाते हो और n की जगह 29 लगाते हो तो जोड़ के एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, है ना, तो भी यहां भी बात नहीं बनेगी। अगर m की जगह 29 लगाते हो और n की जगह लगाते हो -11, तो 29 और 858 की मल्टीप्लाई बहुत बड़ी जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई 11 से बहुत छोटी रहेगी, घटाओगे तो भी 13 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन यहां पे एक बचता है, पहला ऑप्शन 11 यहां लगाना, -29 यहां लगाना, पक्का से ही 13 आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पे बिल्कुल सही होगा, यस, यहां पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा यह बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम एक काम करते हैं, यहां पे वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, x वाले एक तरफ करते हैं, y वाले एक तरफ करते हैं। तो देखो dy अपॉन में ये y वाला नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में y इंटू अंडर रूट y स्क्वायर -1, और भाई ये dx ऊपर चला जाएगा dx अपॉन में x अंडर रूट x स्क्वायर -1। अब भाई कुछ भी नहीं, इंटीग्रेटिंग कर दो बोथ साइड, और ये है secant इनवर्स y का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हमें पता है इस चीज का, और ये है secant इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ये भी डायरेक्ट पता है। जब यार ये पता है हमें तो ये भी पता होना चाहिए। इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट। अब एक काम करते हैं, फटाफट से सी निकालते हैं, सी कैसे आएगा, एक्स की जगह 2 लगाएंगे, वाई की जगह 2/√3 लगाएंगे, तो secant इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू secant इनवर्स 2 प्लस में सी, और यहां से अपना सी आने वाला है मेरे भाई, इसको लिख दो π/6, क्योंकि ये होता है π/6, और secant इनवर्स 2 होगा आपका π/3 प्लस में सी, और सी की वैल्यू जब π/6 -π/3 करोगे तो आएगा -π/6। सी की वैल्यू -π/6 आ गई, यहां पे लगा दो तो अपने को secant इनवर्स y इज इक्वल टू secant इनवर्स x -π/6 मिल गया। और भाई यहां से मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, इधर secant इनवर्स है तो उधर जाके secant बन जाएगा, secant secant इनवर्स x माइनस में π/6। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही बैठता है, ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही बैठता है। तो फ्रेंड्स मैं यहां पे 101 क्वेश्चन तक क्वेश्चन डाल चुका हूं, और आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे कैमरे की बैटरी हो गई है डेड, अभी इसको चार्ज करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर अपलोड करूंगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यार वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आगे आपको मिलती रहेगी। यस yes.